मैं ठहरा एक किसान का बेटा। जब पापा खेतों में जाते थे तो हम भी उनके साथ चले जाते थे। पापा की आदत थी कि जब वो खेतों में काम करते थे तो गाना गुनगुनाते रहते थे। मेरे जहन में भी ये बात आ गई कि जब भी कोई काम करना है और उसे एंजॉय करना है तो सिंगिंग सबसे बेस्ट तरीका है। बस तभी से सिंगिंग में कुछ इंटरेस्ट आने लगा, मैं भी गुनगुनाने लगा। फैक्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, पर जो भाषा सबसे ज्यादा समझी जाती है वो है संगीत, क्योंकि सुर तब भी जादू दिखाते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं। म्यूजिक हर जगह मौजूद है। दिस वर्ल्ड इज द बिगेस्ट म्यूजिशियन। मेरे लिए म्यूजिक का मतलब है लाइफ, और लाइफ का मतलब है म्यूजिक, क्योंकि हार्ट में भी बीट होती है। 7-8 साल का था तब रेडियो पे गाने सुनने का चस्का लगा और मेरी आवाज भी रेडियो पर आए उसके सपने देखने लगा। मेरे पापा हालांकि कहते थे कि गाना वाना ठीक है पर पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बनकर अपना और हमारा नाम रोशन करो। तब मैंने भी मन ही मन सोच लिया था, पापा नाम तो मैं रोशन करूंगा ही पर इंजीनियर नहीं, सिंगर बनके। और जब मैंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जैसा हिट गाना गाया, तो उस दिन मुझे लगा कि आज मैं अपने पापा का और मेरा दोनों का सपना सच कर लिया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मेरे लिए संगीत हमेशा से मेरा गुरु रहा है, बल्कि मेरा मानना है कि इस दुनिया का हर इंसान, चाहे वो सिंगर हो या कोई और, हम सभी की जिंदगी में म्यूजिक एक टीचर की भूमिका निभाता है। सबने सीखने की शुरुआत म्यूजिक से ही की है। उदाहरण के तौर पे जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो टीचर उसको ABCD और पोइम याद कराने के लिए एक लय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नर्सरी पोइम जॉनी जॉनी यस पापा को अगर टीचर सिर्फ पढ़कर सिखाए तो बच्चे को ये पोइम इतनी जल्दी याद ना हो, पर जब कोई भी म्यूजिक पोइम को टीचर गाकर सुनाती है तो वो पोइम झट से बच्चों को याद हो जाती है। तो ये पावर है संगीत में। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई बड़ा साइंटिस्ट हो या फिर दुनिया का सबसे एजुकेटेड इंसान हो, उसके सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ हो या ना हो, पर म्यूजिक का हाथ जरूर रहा है। मैंने जिंदगी में जो भी हासिल किया है म्यूजिक के बदौलत किया है। म्यूजिक की वजह से ही मैं मिथिला के एक छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपनी जगह बना पाया। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन म्यूजिक की ही वजह से मुश्किल सफर भी सुरीला बन गया। मुझे याद है मेरे स्कूल के दिनों में जब भी मुझे किसी प्रश्न का उत्तर या कोई निबंध याद नहीं होता था तो मैं उसको गाकर याद करता था। इसके दो फायदे होते थे। पहला, मुझे मुश्किल से मुश्किल उत्तर भी याद हो जाता था और पढ़ाई करते करते मेरा रियाज भी हो जाता था। एक बार एग्जाम हॉल में मेरे पीछे बैठे मित्र को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था और जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसको आंसर गुनगुना कर ही दिया, जिससे उस बेचारे को आंसर भी मिल गया और हमारे टीचर को शक भी नहीं हुआ। वैसे आप सभी को एक बात बता दूं कि पक्के दोस्त और पक्के सुर
एक जैसे होते हैं। आप अपने दोस्तों को जितना टाइम देते हैं, दोस्ती उतनी ही मजबूत होती जाती है। ऐसे ही आप जितना टाइम अपने सुरों को देंगे, वो उतने ही गहरे और पक्के हो जाएंगे। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो धीरे धीरे वक्त के साथ अपने पार्टनर को समझते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक वैसा ही म्यूजिक के साथ होता है। आप इसको जितना टाइम देंगे, उतना ही संगीत की बारीकियों को समझेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको दिन में जब भी टाइम मिले, तो उस टाइम में क्विक रियाज कर लें। मतलब अगर आप अपने बेडरूम से 4 कदम चलकर अपने किचन तक जा रहे हैं, तो इस 4 कदमों में भी अपने सुरों को ठीक तरह गुनगुनाने की कोशिश करें। आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, तो जितना टाइम एटीएम से पैसा बाहर आने में लगता है, उतने टाइम में भी आप अपने सुरों पर रियाज कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप इस तरह क्विक रियाज करते रहेंगे, तो आपके एटीएम से पैसा बाहर आए ना आए, पर आपके गले से पक्के सुर जरूर बाहर निकलेंगे। खेतों से जब मैं अपने पिताजी के साथ घर वापस आता था, तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, गाना गाओ, गुनगुनाओ, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेरणा से मैं सिंगर बना हूँ, यानी वो मेरी सरस्वती माँ है। 4-5 साल की उम्र से मैंने गाने की शुरुआत कर दी थी, यानी कि छोटे छोटे गांवों में, फेयर्स में, मेला में गाया करता था। स्कूल गया तो स्कूल में गाना शुरू किया, फिर कॉलेज में एंट्री की, वहाँ कोई टीचर नहीं आते थे, तो सब दोस्त मेरे बोलते थे गाना हो जाए, तो वहाँ शुरू हो जाता था। यानी कि रास्ते चलते चलते भी लोग बोलते थे कि एक गाना हो जाए, तो मैं गाना स्टार्ट कर देता था। मतलब बचपन से ही ये लगन थी। उसके बाद मैंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में रेडियो नेपाल के लिए मैथिली सिंगर के रूप में की थी। वहाँ मुझे इंडियन एम्बेसी की तरफ से म्यूजिक स्कॉलरशिप मिली, और 1978 में क्लासिकल म्यूजिक सीखने मैं मुंबई आ गया। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, पर मेरे टाइम पे संगीत के लिए अच्छा गुरु और अच्छा काम पाने के लिए स्टूडियोज के पते ढूंढना बहुत मुश्किल था। पर मेरा मानना है कि जिस तरह एक अच्छी किताब आपको पॉजिटिविटी देके जाती है, वैसे ही संगीत आपको सकारात्मक बनाता है, मोटिवेट करता है। मैं संगीत सीखने के लिए, यानी कि क्लासिकल संगीत सीखने के लिए भारतीय विद्या भवन मुंबई आया, और वहाँ 5-6 साल मैंने भारतीय विद्या भवन में क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। मेरे गुरु थे पंडित दिनकर कैकेनी जी, और कई गुरु थे जिनके साथ मैं वहाँ सीखता था। उदित नारायण झा से सिंगर उदित नारायण बनने का सफर मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। मैं मुंबई में जब दिन दिन भर स्टूडियो का पता निकाल कर वहां के चक्कर लगाकर थक जाता था, तब मन उदास हो जाता था, और कभी कभी वापस घर लौटने का ख्याल भी आता था। कई कई बार तो ऐसा हुआ कि दिन भर रिजेक्शन मिलने के बाद जब मैं शाम को किसी चाय की दुकान पर खड़ा होकर चाय पीते हुए गुनगुनाता था, तो वहां आसपास खड़े लोग मेरे गाने की तारीफ करते थे, और इस तरह मेरा संगीत मुझे फिर से हौसला दे जाता था। इसीलिए मेरा मानना है कि आप एक अच्छे कलाकार तभी बन सकते हो जब लाइफ में सैकड़ों रिजेक्शन मिलने के बाद भी आप अपने संगीत को ना छोड़ो, क्योंकि दवाई अक्सर बाहरी जख्म को भर देती है, पर संगीत एक ऐसी दवा है जो आपके अंदर के गहरे से गहरे जख्म को ठीक कर जाता है।
हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब मैं मुंबई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर लगा रहा था, तब पैसे बचाने के लिए हर दिन 10-15 किलोमीटर पैदल चलता था और पैदल चलते चलते भी रियाज करता था और इसको वॉकिंग ट्रेनिंग कहता था। इस वॉकिंग ट्रेनिंग का फायदा ये होता था कि मुझे 10-15 किलोमीटर की दूरी भी पता नहीं चलती थी और जब स्टूडियो ओनर या म्यूजिक डायरेक्टर को गाना सुनाता था, गला भी एकदम रेडी टू सिंग रहता था। इसलिए एक बात नोट कर लीजिए, आप चाहे संगीत सीखने जा रहे हो, ऑडिशन देने जा रहे हो या रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, घर से निकलते ही अपने गले को वार्म अप करना शुरू कर दो, ताकि ऑडिशन हॉल या स्टूडियो पे जब आप पहुंचो, आपका गला रेडी टू सिंग हो। इसी सिचुएशन पे एक गाना मुझे याद आ रहा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उदित जी, आपने किस गाने को गाते हुए सबसे ज्यादा एंजॉय किया? मेरा जवाब होता है, हर गाने को। गाना कोई भी हो, जब तक आप उसको गाते हुए एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक लिसनर को उस गाने को सुनने में मजा नहीं आएगा। इसलिए गाना गाने से पहले उस गाने के मूड को, गाने की सिचुएशन को समझें और फिर खुद से ही ये सवाल करें कि उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर उसी एंजॉयमेंट के साथ आप गाना गाएं। मुझे भरोसा है, अगर आपने ऐसा किया तो फिर चाहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठा म्यूजिक डायरेक्टर हो या ऑडिटोरियम में बैठी जनता, तालियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी।